हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मॉम्स डिलाइट। आज हम बनाएंगे ओट्स का चीला। ओट्स का चीला जो है वो हाई फाइबर फूड है, यानी कि आप अगर इसको खाते हैं तो आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है, इसकी वजह से आप फिर वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए इस हेल्दी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम पहले ओट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें हम कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। 4 से 5 मिनट तक हमें इसको अच्छे से भूनना है। अब ये भुन चुका है, अब हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सूजी, जिससे ये थोड़ा करारा हो जाए। और इसी के साथ हम इसमें मिला लेंगे अदरक का टुकड़ा। ये मैंने 1 इंच के करीब अदरक लिया है और इसमें 2 चम्मच बेसन डाल देंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप उनको भी ये खिलाना चाहते हैं तो इसी समय इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब इसको हम पीस लेंगे अच्छे से और अब इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी मैं। इसमें फिर हम दही ऐड कर लेंगे और हरी मिर्चें। अगर आपने मिक्सी में ग्राइंड नहीं करी है तो इस टाइम आप डाल सकते हैं। उसी के साथ मैंने यहाँ पर डाला है भुना जीरा पाउडर, प्याज, पालक, टमाटर। आप चाहे तो इसमें कोई भी सब्जी और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम या बीन्स, और नमक स्वाद अनुसार डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसका एक खोल बना लेंगे। पानी उतना ही डालिएगा जिससे ये थोड़ा सा फ्लोइंग बन जाएगा। थोड़ा सा घोल पतला चाहिए हमें ताकि हमारा चीला फैल सके आराम से। इसके बाद ये देखिए सही हो गया है हमारा बैटर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे। हल्दी ऑप्शनल है, इससे कलर भी आ जाता है और वैसे हल्दी आजकल फ़ायदेमंद भी है खाना। कोविड के टाइम पे हम लोग हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप इस पे डाल सकते हैं। उसके बाद पैन ले लीजिए, नॉनस्टिक पैन है तो आप मेरी तरह ब्रश की मदद से भी आप इस पे ऑयल लगा सकती हैं, और नहीं तो आप अगर आयरन के तवे पे इसको कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगा लीजिएगा। और उसके बाद अपना बैटर जो है हम इस तरह से फैला लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब्जियां हैं तो ये बिल्कुल फ्लो ही नहीं रहेगा, डोसे की तरह बिल्कुल पतला नहीं बनेगा। लेकिन आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से पतला या मोटा रख सकते हैं। अब मैं इसको ढक दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। ये वह हमारा ओट्स का चीला ऊपर से पक चुका है। अब इसमें हम ऊपर से भी थोड़ा सा तेल डाल देंगे। और अगर आप वेट लॉस के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें ऑयल की क्वांटिटी कम ही रखिएगा,
इस टाइम नहीं डालेंगे तो भी ये चिपकेगा नहीं। और बस अब इसको पलटकर हम दोनों तरफ से अच्छे से इसको सेक लेंगे। तो 2 से 3 बार अच्छे से पलट कर हम सेक लेंगे। और जो अब हमारी गैस है उसकी लो मैंने मीडियम रखी हुई है, और देखिए हमारा चीला बनकर तैयार है। अब आप इसको किसी भी चटनी, इमली की चटनी या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और हेल्दी भी है। सो इन्जॉय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।